नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। सोमवार को दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होते ही अपने अपने मुद्दों को लेकर आप और बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया। आपके विधायक एलजी की ओर से दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप और एमसीडी के मसले पर मनमाने फैसले के खिलाफ हंगामा मचाया, तो बीजेपी विधायक विपक्ष की आवाज दबाने और दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर शोर मचाते रहे। तो वहीं नतीजा यह हुआ कि शोर शराबे के बीच विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एलजी और सरकार के बीच चल रही तकरार को लेकर आप प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने सदन में कहा कि एलजी ना तो कानून मानते हैं और ना ही संविधान मानते हैं, वे अपनी मनमर्जी से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही शोर मचाना शुरू कर दिया और स्पीकर ने मजबूर होकर सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। तो वहीं आगे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अदालत का फैसला एलजी के लिए आदेश है, कोई सलाह नहीं है। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।